Good morning children, this is video part 25 of class 7th maths, and in this video we are going to solve exercise 2.6 question number 3. Question number 3 में आपको multiply करना है. हमने पहले भी multiply किया, same method भी आप यहाँ पे apply कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक shortcut formula भी है, shortcut तरीका भी है इसको solve करने का. क्यों shortcut तरीका है इसके लिए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि हमें decimal number का multiply किससे करना है, 10 से, 100 से, 1000 से, है ना, 1 lakh से. मीन्स क्या है, आपको 1 और 0 ऐसे डिजिट अगर दिए हुए हैं और उनका मल्टीप्लाई किसी डेसिमल नंबर से करना है, तो हम उसे इजीली शॉर्टकट मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10 से 100 से 1000 से, ठीक है, 1 या 1 और 0 वाले डिजिट से करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे जो जितने भी जीरो होंगे, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, 1 time जो है डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे. ठीक है, जितने जीरो होंगे उतने क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल को उतने प्लेस जो है मूव कराने वाले हैं राइट साइड में. ओके, और अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो हम क्या करते, उतने ही प्लेस में क्या करते, 1, जैसे यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 10 है, तो 1 प्लेस क्या करते हम लोग, लेफ्ट साइड में डेसिमल को शिफ्ट कर देते, मूव कर देते. ओके, हमने पहले भी मूव किया, डिवाइड कर रहे थे जब सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में चेंज किया था हम लोगों ने, तो हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव कराया था. यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दिया है तो राइट साइड में मूव कराओगे. ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन, 1.3 × 10 दिया हुआ है. ओके, तो डेसिमल अभी आपका यहाँ पर है, आपको राइट साइड में लेके जाना है 1 digit, तो आपने डेसिमल को उठाया और यहाँ पर पुट कर दिया, मीन्स लास्ट में. अब लास्ट में इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 13. ओके, और आपको क्वेश्चन अगर करना है तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ. जैसे आपके पास दिया हुआ है 0.9 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्वेश्चन नंबर 11. तो आगे मूव करते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 digit 0 के, तो आपको क्या करना है, 2 place जो है राइट साइड में लेके जाना है. ठीक है, तो हम तो 1 place यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर से 1 place यहाँ पहुँचेंगे, मीन्स यहाँ पॉइंट आएगा. तो देखो कैसे लिखा जाएगा, 0 तो सबसे पहले दिया है, इसको तो आप हटा ही दोगे. यहाँ पे दिया है 9 और फिर यहाँ एक 0 लेना है, 9 0 पॉइंट, और पॉइंट लास्ट में, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, 90. ओके, 9 0 90. तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट. थैंक यू.